हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. ओके स्टूडेंट, वेलकम टू इंग्लिश क्लास. वेल चिल्ड्रन, इन टुडेज वीडियो वी विल स्टार्ट आवर मॉनसून बुक, इंग्लिश मॉनसून बुक. ओके, एंड आई होप आप सब ने इंग्लिश मॉनसून की बुक कैंटीन से परचेज कर ली होंगी. अगर नहीं की है तो कर लेंगे. ओके, आज इसका हम फर्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे. सो लिसन केयरफुली. यूनिट 1. The fish that talked. The fish that talked. It means fish यानी कि मछली जो बातें करती थी. Children, आपने कभी fish को बातें करते देखा है क्या? नहीं ना. But इस story में एक fish की story है कि वो कैसे अपनी problems बोलती है और कैसे बताती है और कैसे वो grow up होती है. ये इस story में हम read करेंगे. So listen carefully and try to understand. Long ago in India, there was a young man named Manu. It means बहुत पहले इंडिया में एक यंग मैन था जिसका नाम था मनु. मनु नाम का एक यंग मैन था. ओके, वन डे मनु वॉज वेडिंग अस इन अ स्ट्रीम. एक दिन मनु पानी की जो धारा होती है, स्ट्रीम इट मीन्स धारा, वैडिंग इट मीन्स पानी में चलना, तो वो उस पानी में वो चल रहा था. अ टाइनी फिश स्वैम इन टू हिज हैंड्स. उसके हाथों में एक छोटी सी फिश स्वैम करती हुई, तैरती हुई आई. द फिश स्पार्कल्ड विद अ सिल्वरी लाइट. और वो कैसी थी फिश? वो चमक, कैसे चमकती थी? सिल्वरी लाइट जैसी. ठीक है, सिल्वरी लाइट से वो पूरी चमक रही थी. एंड क्या बोलती है? हेल्प, द बिग फिश वॉन्ट्स टू ईट मी. वो मनु से कहती है कि मेरी हेल्प करो, मुझे बड़ी फिश जो है वो खाना चाहती है. तो मनु तो शॉक्ड रह गया. इट टॉक्स, ये बातें करती है, पुअर लिटिल थिंग. ही कर्व्ड हिज हैंड्स एंड कैरीड द फिश होम. वो अपने हैंड्स को कर्व्ड करता है, गोल बनाकर, और उसमें फिश को लेकर, अपने हैंड्स में लेकर अब फिश होम लेकर जाता है. ओके, ही पुट द फिश इनटू अ जार ऑफ वाटर एंड फेड इट विद क्रम्स. वो फिश को वाटर जार में रखता है और उनसे कुछ टुकड़े देता है खाने के लिए. ग्रू एंड ग्रू अंटिल इट वॉज टू बिग फॉर द जार. और क्या होता है, फिश बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है जब तक कि वो जार से ज़्यादा बड़ी ना हो जाए. ठीक है, मतलब जार उसके लिए, वाटर का जो जार था वो छोटा पड़ने लगा, इतनी बड़ी हो गई वो. सो मनु टुक द फिश टू द वेल एंड फेड इट विद ब्रेड. फिर मनु ने क्या किया, फिश को वेल के अंदर रखा और उसे ब्रेड खिलाए. इट ग्रू एंड ग्रू अंटिल इट वॉज टू बिग फॉर द वेल. और वो वेल के लिए भी बहुत बड़ी होने लगी. एंड देन क्या बोलती है, आई हैव नो रूम टू प्ले. फिर उसको कहती है मनु को कि मेरे लिए, मेरे को प्ले करने के लिए मतलब स्पेस बड़ा चाहती है. वो कहती है आई हैव नो रूम टू प्ले. मुझे खेलना है और मुझे खेलने के लिए मेरे पास रूम नहीं है. सो मनु क्या कहता है, सो क्या करता है मनु, सो मनु कैरीड द फिश टू द रिवर. अब उसको रिवर में लेके जाता है. ही डिड नॉट फीड इट बट इट स्टिल ग्रू एंड ग्रू. वहाँ पर उसको खाने को नहीं इतना कुछ मिला, फिर भी वो बढ़ती जा रही थी. मनु कुड नॉट बिलीव हिज आइज. बिलीव इट मीन्स विश्वास. ओके, मनु को अपनी आइज पे विश्वास नहीं हो रहा था. नाउ द फिश वॉज एनॉर्मस. एनॉर्मस इट मीन्स बहुत विशाल, बहुत बड़ा. ओके, एंड देन देयर इज समथिंग फिशी गोइंग ऑन. नेक्स्ट, ही विल वे अ टन. उसका जो वज़न हुआ वो एक टन के जितना हो चुका था.
देन प्लीज़ टेक मी टू द सी। अब क्या कहती है फिश कि मुझे ना सी में ले चलो प्लीज़। ऑन द नेक्स्ट पेज, बट अमेजिंगली द फिश वॉज एज लाइट एज एयर। अमेजिंग बात जो थी इस स्टोरी में जो फिश के साथ थी वो है कि फिश दिखने में तो बहुत ही मतलब एक टन के जितनी हैवी दिख रही थी, बट वो लाइट थी बहुत, इतनी हल्की थी बिल्कुल हवा जैसी। ओके, ये मीनिंग आप अपनी बुक में राइट करेंगे स्टूडेंट। अमेजिंगली इट मीन्स आश्चर्यजनक, एज लाइट एज एयर, हवा की तरह हल्की या हल्का। इट वॉज मैजिक, ये एक जादू था। मनु वॉक्ड टू द सी शोर एंड थ्रू द फिश इन टू द सी। वो समुद्र के किनारे उस फिश को, देखो आप पिक्चर में भी देख सकते हो, फिश को लेकर जा रहा है और समुद्र में उसको फेंक दिया। ओके, एंड देन फिश क्या कहती है उसको, यू आर अ गुड मैन, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। नाउ इट्स माई टर्न टू हेल्प, कहती है कि अब मेरी बारी है तुम्हारी मदद करने की। देयर इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट फ्लूड, यहाँ पे बहुत ही भारी भयंकर एक बहुत ही बाढ़ आने वाला है, बहुत भारी बाढ़ आने वाला है। यू मस्ट बिल्ड अ बोट, यू मस्ट बिल्ड अ बोट टू सेव ऑल लिविंग थिंग्स। उसको क्या सजेशन देती है कि तुम एक बोट बनाओ जिससे कि तुम और सारी लिविंग थिंग्स को बचा सको। ओके, सो मनु बिल्ड अ ह्यूज बोट एंड फिल्ड इट विद प्लांट्स एंड एनिमल्स। सून डार्क क्लाउड्स फिल द स्काई, देन द रेन केम, द विंड हाउल्ड एंड वेव्स क्रैश्ड अराउंड दी बोट। क्या होता है, बिल्कुल तूफान आ जाता है एकदम से। उसने तो जो नाव बनाई थी, बड़ी सी नाव बनाई, ह्यूज मीन्स विशाल, नाव विशाल एंड बोट मीन्स नाव। ओके, एंड उसमें क्या फिल्ड किया, क्या रखा, सब प्लांट्स एंड एनिमल्स को फुली फिल कर लिया, ठीक है, बोट में सभी को रख लिया, देखो जिस तरह पिक्चर में दिखाया हुआ है। एंड सून इट मीन्स जल्दी ही, डार्क क्लाउड्स फिल्ड द स्काई, काले बादलों से घिर गया आसमान। देन द रेन केम, और बारिश आई और हवाएं भी पूरी तेज़ होने लगी। एंड जो धाराएं थी स्क्रैच अराउंड दी बोट, और बोट के बिल्कुल आसपास ऐसे धाराएं तेज होने लगी। He peered into the dark and saw a silvery light. He peered, वह झांका, into the dark and saw a silvery light. It was a talking fish. वो झांक कर उसने देखा तो उसको silvery light दिखी, but वो क्या थी, वो silvery light वो talking fish थी। Okay, और वो क्या बोलती है मनु को, थ्रो मी अ रोप, रोप इट मीन्स रस्सी, मुझे एक रस्सी फेंको, थ्रो मीन्स फेंको। द फिश पुल्ड द बोट थ्रू द स्टॉर्म, तो फिश ने क्या किया, वो रस्सी जो मनु ने फेंकी थी उसके थ्रू पुल्ड किया, खींचा बोट को थ्रू द स्टॉर्म, तूफान के माध्यम से। देखो कैसे पिक्चर में है, कैसे खींच रही है इनको। ओके, ऑन द नेक्स्ट पेज, आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम दे रीच्ड अ ग्रेट माउंटेन। एक लंबे समय के बाद, इतनी कोशिश करने के बाद वे कहाँ पहुँचे, एक ग्रेट, एक महान पर्वत पहुँच गए, ठीक है, सेफली सब पहुँच गए। तो फिश ने कितनी हेल्प करी उस मनु की, क्यों करी हेल्प, क्यों, क्योंकि उसने फ़िश की सारी बातें मानी, जो जो फ़िश ने कहा वो उसने किया, उसको बचाया, उसको खाने को दिया, उसने जहाँ बोलने को, जहाँ रहने के लिए कहा उस जगह वो लेके गया। तो बदले में उसने भी क्या किया, मनु और बाकी सारे लिविंग थिंग्स की जान बचा ली।
बाढ़ से। तो इसलिए कहते हैं ना कि हेल्प करनी चाहिए दूसरों की। तो ये वीडियो आप फुली वॉच करेंगे और अपना ये फर्स्ट लेसन यूनिट फर्स्ट जो है वो आपने रीड करना है घर पर। ओके, प्रोनंसिएशन भी बहुत करेक्टली यूज़ करेंगे। ओके, लेक्चर इज़ ओवर। थैंक यू।